अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त ठीक होंगे, सेहत भी ठीक होएगी। आज सरों की मार्केट पिछले दिनों के मुताबिक वही सूरत चल रही है। 8,81,179 रुपए जरा ना 81,81,100 को उधार 15वें दिन तो लैन वाला को 50,100 पा लेंदा वा। तो लाल ज्वार जी बेहतर जा रही है अगर नालों 57,58,100 रुपए रेट आ। तो जिन्हों को मार्केट दे विच स्टाक पिया होया वा वो इस आसमी तो बैठे कि यदा रेट होर वजेगा लाल ज्वार का, कि किसी टाइम भी यदा रेट होर वध सकता, क्योंकि ये रेट वधन की वड्डी वजह यह है कि लाल ज्वार शार्ट सी, क्योंकि वह ग्रास एक होर गन्ने तरह की आई सी, घा वह बीजा सगा लोगों ने तो पटाई करके फिर लाल ज्वार लोगों ने बिजाई की, जो बीज नहीं सी बनया। लाल ज्वार का सीजन को 4-5 महीने होंगे, जिद वजह तो ये तेजी रहने के मकान रेट थले आ नज़र नहीं आ रहा। तो मकई दे दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, कोई 10-20 रुपए डेली बेस से पेंदे ही है, निकलते नहीं है। जिहड़ा स्टाक किया आदा माल वेच रहे जिन्होंने चारों ने बजते पे आ, जिहड़ा जिन्होंने माल महंगा लिया होया 3100 या 3050 रुपए पड़ता पैंदा पिया, वह लोग हले रुके हुए आ कि शायद होर बेहतरी दे विच आ जाए, तो होर चार दिन रख के तो फिर पैसे पूरे हो जाने या चारों ने बच जाएंगे। तो चावल की जी सूरत हाल वो भी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, रोजाना 50-100 रुपए पै रहे हैं, जो आस उम्मीद की जा सकती सी कि ईद तो बाद बेहतरी आ जाएगी, तो उस सोच के मुताबिक ही इस बेहतरी आई है। तो करीबन 12,200-13,000 रुपए कैश का मुल बन गया, तो उत्ते उधार भी सेल हो रहा वा। चंगे मालों के रेट है ये, तो जोड़े माल माठे आ 11,600-11,700 भी हैगा रेट उन्हों का। तो हले गाहक मार्केट के आ रहा चावल का, जिस तरह गाहक आएगा 8-10 दिन हले होर लगन गए मार्केट में, गाहक मुकम्मल तौर पर इन हो जाएगा जो एंट्री कर जाएगा, फिर सूरत आवाज़ नज़र आएगी कि यदा रेट चावल का कितों तक जा रहा वा। तो जो माहरीन वो तो यही कहें कि गांह की गांह हो सकता वा बेहतर हो जाए, 13,000 तक जाने चांस है, तो चावल का रेट जो ना हो सकता 13,000 रुपये बन जाए। यदा हले बहुत टाइम पिया वा, 3-4 महीने हले फसल नहीं होनी चावल की, झोने की फसल नहीं होनी, नवा झोना आएगा तो रेट कोई डाउन होएगा ना। हले अफगानिस्तान में कला माल जा रहा वा, अगर किसी होर मुल्क कोई लेन देन हो जाता वा पाकिस्तान का चावल के बारे, तो मजीद होर भी बेहतर हो सकता वा रेट का। तो गंदम जोड़ा वा पास को लै रहे 3900 रुपए के बच्चे, तो उत्ते जोड़ा रेट स्टाक ही रेट ही 3950 रुपए, 3900-4000 4100 रुपए तक भी स्टाक ही जोड़ा वा ना भर रहा वा माल फील्ड के, तो माल 3850 में चक रहा वा स्टाक ही। तो लेकिन गोरमेंट वालों बहुत ज़्यादा सख्ती है, सख्ती होने के बावजूद बहुत स्टाक ही माल ला रहा वा, थोड़ा थोड़ा माल लग रहे है स्टाक दे विच। गंदम के मुतलक पाकिस्तान को एक ऑप्शन आ कि अफगानिस्तान गंदम समगलिंग हो रही है, अगर नैक्सट टाइम होंगी रही तो ये मजीद पैसे पै सकते, क्योंकि अगे भी अफगानिस्तान को गंदम गई है, ब्लैक के बड़िया चीज़ा पाकिस्तान जा रही, चावल गंदम बहुत चीज़ा पाकिस्तान फसल जीडिया ना जा रही वा, जिद वजह तो ज़्यादा तेज़ी की वजह यह बनी है कि दूसरे मुल्कों समगलिंग हो रही चीज़ा। कोई भी चीज़ वो मतलब मतलब इंसान एक आइडिया ला सकता वा, आपकी सोच के मुताबिक ही दस सकता भी इतने रेट जाएगा, लेकिन गांह अल्लाह बेहतर जानता वा की बनते रेट की सूरत हल बनती है, इंसान तो एक आइडिया ला सकता वा। जे अगर इंसान सोचे मैं आपकी सोच के नाल रिजक लै रहा वा, वो गलत गल आ, जो रिजक मकदर चो इंसान लभ ही जाता वा, तो वो सोच तो बढ़ के कभी कई दफ़ा रिजक मिल जाता वा। इंसान मेहनत करनी चाहिए है, मेहनत का फल अल्लाह पाक जरूर दिता वा।